स्किल इंडिया नरेंद्र गुरु चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंटमेंट कर सकते हैं। आज का जो हमारा पेपर है फिटर सेकेंड सेम का ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है, तो उसमें हम जो क्वेश्चन थे 50 उसको आज सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र है। चार ऑप्शन दिए आपको एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है CH4, ऑप्शन बी दिया है C2H2, ऑप्शन सी दिया है CH2 और ऑप्शन डी दिया है C4H4। तो जो हमारा एसिटिलीन गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है हमारा C2H2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता वेल्डिंग में निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। मतलब जो प्रतिरोधकता वेल्डिंग होती है उसमें हम ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, तो इसके लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए दिया है I×R×T², ऑप्शन बी दिया है I×R²×T, ऑप्शन सी दिया है I²×R×T और ऑप्शन डी दिया है IRT। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी I²×R×T। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। चारों में से इसमें से एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, तो इसमें से कौन सा होगा जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए दिया है मोटर जनरेटर, ऑप्शन बी दिया है इंजन जनरेटर, ऑप्शन सी दिया है रेक्टिफायर और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो आपको पता ही है कि जो हमारा रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर टेप वह टेप है जिसमें खाली स्थान थ्रेड निचली तरफ झुके होते हैं। मतलब आप पता है आपको जो हमारा हैंड टेप होता है तीन टेपों का सेट होता है, पहला होता है टेपर टेप, दूसरा होता है इंटरमीडिएट टेप और तीसरा होता है फिनिशर टेप। तो जो टेपर टेप होता है उसमें कितनी चूड़ियां टेपर में होती है वो पूछा गया है स्टार्टिंग में पॉइंट की ओर। ऑप्शन ए दिया है 8 से 10, ऑप्शन बी दिया है 3 से 5 और ऑप्शन सी दिया है 20 से 25 और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो टेपर टेप होता है उसकी 8 से 10 चूड़ियाँ चैम्फर होती है, जो इंटरमीडिएट टेप होता है उसकी 4 से 6 होती है और जो हमारा फिनिशर टेप होता है उसकी 1 से 2 जो चूड़ियाँ होती है वो टेपर में होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये 8 से 10। अगला क्वेश्चन है, टूल जो रिवेट हेड को सहारा देता है वह है। मतलब इसमें से आपको उस टूल का नाम बताना है जो रिवेट हेड को सहारा देता है। ऑप्शन ए है लॉली, ऑप्शन बी है ट्रॉली, ऑप्शन सी है डॉली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपने तो कभी लॉली सुना नहीं होगा, ट्रॉली होता है, एक डॉली होता है और इनमें से कोई नहीं। तो इस तीन ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन होगा, तो ये जो होगा इसका जो हमारा आंसर होगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी डॉली। मतलब ये क्या करता है, रिवेट हेड को सहारा देता है, उसे हम कहते हैं डॉली। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको नट बोल्ट स्क्रू आदि को सहारा देने के लिए चढ़ाया जाता है। मतलब नट बोल्ट और स्क्रू को आदि को सहारा देने के लिए इसमें से हम किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ये है की, ऑप्शन बी है कपलिंग, ऑप्शन सी है वाशर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर होगा ये होगा वाशर। वाशर क्या करता है, नट बोल्ट और स्क्रू को हम जब चढ़ाते हैं तब इसको क्या करता है, सहारा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर क्योंकि मेरे पास जो पेपर पहुंचा है वो एकदम क्लियर नहीं पहुंचा है, तो आप थोड़ा उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन था हमारा ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाउंडेशन बोल्ट नहीं है। मतलब इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा फाउंडेशन बोल्ट नहीं है। मतलब इसमें 3 फाउंडेशन बोल्ट होंगे और एक फाउंडेशन बोल्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए दिया है आई फाउंडेशन बोल्ट, ऑप्शन बी दिया है रैग बोल्ट, ऑप्शन सी दिया है लेविस बोल्ट और ऑप्शन डी दिया है चीज हेड बोल्ट। तो आपको पता है कि आई फाउंडेशन बोल्ट, रैग बोल्ट और लेविस बोल्ट ये जो आता है फाउंडेशन बोल्ट के अंतर्गत आता है, इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी चीज हेड बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक रख रखाव का एक भाग है। मतलब यदि हम किसी टूल्स का मशीन का यूज करते हैं तो इसमें से सुरक्षात्मक रख रखाव का कौन सा एक भाग है। ऑप्शन ए दिया है लुब्रिकेशन, ऑप्शन बी दिया है निरीक्षण, ऑप्शन सी दिया है सर्विसिंग
और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो देखिए जब भी हमें रखरखाव करना होता है तो हम लुब्रिकेशन भी करते हैं, समय समय पे निरीक्षण भी करते हैं और सर्विसिंग भी करते हैं। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि एक अप्रयुक्त मशीन में घटित होती है। इसमें से आपको त्रुटि बताना है जो अप्रयुक्त मशीन में घटित होती है, मतलब जिस मशीन का हम प्रयोग नहीं करते उस मशीन में त्रुटि क्या होती है, घटित होती है। ऑप्शन ये दिया है अपक्षय, अवक्षय मतलब अपक्षय बोलते जिसको। ऑप्शन बी दिया है संक्षारण, ऑप्शन सी दिया है अटकाव और ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये जो तीनों क्रियाएं होती है यह एक अप्रयुक्त मशीन में घटती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायल टेस्ट इंडिकेटर एक परिशुद्धता उपकरण है जिसे निम्न को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है आपने देखा ही होगा, जो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा इसमें से आपको बताना है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर एक परिशुद्धता उपकरण है, मतलब एक सूक्ष्म मापी उपकरण है जिसे निम्न को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए जॉब के आकार को मापने के लिए, ऑप्शन बी दिया है जॉब की समांतरता तथा सीधापन मापने के लिए, ऑप्शन सी ये दिया है जॉब की ऊंचाई और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है यह चेक करता है जॉब की समांतरता तथा सीधापन, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जॉब की समांतरता तथा सीधापन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। जो गैल्वेनीकरण होती है उसमें गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, उसमें क्या की जाती है, उस धातु के ऊपर, लोहे के धातु के ऊपर किसी एक अन्य एक धातु की परत चढ़ाई जाती है जिसे हम जिंक कहते हैं। मतलब लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की जो क्रिया होती है उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमें कि गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए दिया है टीन, ऑप्शन बी दिया है जिंक, ऑप्शन सी दिया है लेड और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो गैल्वेनीकरण में हम दो धातु प्रयोग करते हैं होती है जिंक। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप है। देखिए जो लोहा होता है हमारा, तीन प्रकार का लोहा होता है। सबसे पहला जो लोहा होता है हमें, लोहा तो प्राप्त होता है हमें इससे पृथ्वी के भूगर्भ से अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। जो अयस्क के रूप में हम उसको शुद्ध करते तो हमें प्राप्त होता है, पहला लोहा होता है हमारा पिग आयरन, दूसरा होता है हमारा कास्ट आयरन और तीसरा होता है हमारा रॉट आयरन। तो रॉट आयरन को हम पिटवा लोहा कहते हैं। तो क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो ये चारों ऑप्शन में से जो आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं, पहला ऑप्शन ढलवा लोहा, दूसरा ऑप्शन दिया है पिटवा लोहा, तीसरा ऑप्शन दिया है कच्चा लोहा और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो पिटवा लोहा होता है जिसको हम रॉट आयरन कहते हैं, इसमें 99.98% क्या होता है, लोहा होता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा पिटवा लोहा। और आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें कि जो पिटवा लोहा होता है हमें प्राप्त होता है पुंडलिंग फर्नेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस फिट में शॉर्ट सदैव छिद्र की अपेक्षा होती है। तो हमारी तीन प्रकार की फिट होती है, क्लीयरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। तो इसमें पूछा गया है कि इंटरफेरेंस फिट में शॉर्ट सदैव छिद्र की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ये दिया है छोटी, ऑप्शन बी दिया है बड़ी, ऑप्शन सी दिया है समान और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी इंटरफेरेंस फिट होती है उसमें शॉर्ट सदैव छिद्र की अपेक्षा बड़ी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बड़ी। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके बाद इसके आगे क्वेश्चन आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ने अगले पार्ट में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आप इसके बाद जो पार्ट अपलोड होगा उसे भी आप देखिए। धन्यवाद।